हरियाणा के पानीपत में होटल से रोटी लेकर लौट रहे युवक की सीने में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी ममेरी बहन की शादी में सोंधापुर आया हुआ था। बाइक टकराने पर दो पक्षों में विवाद के बाद घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी अतीक अहमद पानीपत में सोंधापुर में अपने मामा की लड़की की शादी में आया हुआ था। ममेरी बहन की विदाई के बाद घर में खाना कम पड़ गया तो अतीक अहमद अपने मामा के लड़के के साथ होटल पर खाना लेने के लिए आया हुआ था। इसी दौरान अतीक अहमद की बाइक कुछ लोगों की बाइक से टकरा गई और जरा सी कहासुनी के बाद बात बढ़ती ही चली गई। बाइक पर सवार तीन युवकों ने अतीक अहमद के सीने पर चाकुओं से एक के बाद एक कई बार वार कर दिया। हमले में घायल अतीक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं जान बचाकर अतीक अहमद के मामा का लड़का घर की तरफ भागा। जब तक परिजन घटनास्थल पर पहुंचते युवक दम तोड़ चुका था। इसका अतीक अहमद नाम था और आमिर की बहन की शादी थी। आमिर और अतीक दोनों लोग गए थे रोटी लेने के लिए। वहीं पे ठेके के पास शराब पी के ये लोग रोड पे निकले। दूसरे लड़कों ने जिन्होंने मर्डर किया है तो इनकी बाइक उनसे टकरा गई। तो उनकी बाइक उनसे टकरा जाने के बाद में आपसी विवाद हुआ तो इसको चाकू से मारने लगे। तो दूसरा जो आमिर लड़का था वो जान बचा के घर की तरफ भागा। तो घर की तरफ जब तक उसने खबर की तब तक इसको ऑन द स्पॉट चाकू से मार दिया। तीन बार की गई, कहाँ मारा है? इसके ये हार्ड वाले साइड पे चाकू लगा है पूरा अंदर से और भी एक दो वार लगे हुए हैं। कितने निशान मिले आपको? तीन चार निशान है चाकू के। हाँ, तीन लड़के थे मारने वाले, ऑन द स्पॉट मार के चले गए। अब हम लोग थे वो लड़के तो मान के चलो ये लोग ही जानते होंगे। हम लोग तो आए थे शादी अटेंड करने के लिए। तो अब हम लोग जैसे लखीमपुर के मारा वो शराब पिए हुए जी, वो नशे में थे। वही से ठेके से शराब पी के गाड़ी निकाली तो ये लोग जा रहे थे, इनकी बाइक से उनकी बाइक टकरा गई हल्की सी। उसी में नोकझोंक की बात हुई तो उसमें से एक निकला तो मतलब बड़े बाल थे उसके, उसने निकला ऐसा सुनने को मिला, उसने चाकू से वार किया। तो वो चाकू साथ में रखे हुए? हाँ, चाकू उसके साथ में था जिसने मारा है। हाँ, इसका परिवार कैसा है, बच्चे है या क्या कुछ है? इसकी फैमिली है, शादी हुई है, एक बच्चा है इसका 1.5 साल का, वाइफ है, वहीं है गांव में यूपी में। हाँ, तो ये क्या काम करता, कहाँ? ये पेंटिंग का, लखीमपुर खीरी के काम करने वाले, यूपी के रहने वाले, काम यहीं पे करता था पेंटिंग का, कमाने के लिए यहाँ पे आया था। तो क्या कार्रवाई चाहिए अभी? हम तो कार्रवाई चाहते हैं कि मुल्जिमों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और हम लोग इतनी दूर रहते हैं, कैसे हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इन लोगों को बख्शा ना जाए, बहुत ही सख्त सजा दी जाए। दिन क्या था? शादी दिन में थी, पूरा प्रोग्राम समाप्त हो गया था, उसके बाद में रोटियां कम पड़ गई थी खाने में, तो ये लोग रोटियां लेने गए थे। लड़की भी विदा हो गई थी, शादी पूरी लगभग क्लियर हो गई थी, तो शाम को थोड़ी रोटियां कम पड़ गई थी, वो रोटियां लेने ये लोग होटल पे गए थे। उसी दौरान ये घटना हुई। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी बलवान सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों में बाइक टकराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें बाइक पर सवार युवकों ने अतीक के सीने में चाकू से वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ आरोपियों की पहचान कर ली है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दो लड़के थे, ये जा रहे थे, मुदई है, ये जा रहे थे बाइक पर, आगे था तीन लड़के थे जो मोटरसाइकिल पर आए, उन इसी गाड़ी बिड़ गई उसकी थोड़ी, तो उस बात पर उनका झगड़ा हो गया, वो तो निमट गई थी बाद में। फिर ये दोनों लड़के और वो तीन चार लड़के जो बाइक पर थे वो ठेके के पास पहुंच गए, वहाँ फिर इनका फिर झगड़ा हो गया और उसने एक आदमी को चक्कू मार दिया जिससे उसकी हत्या हो गया। क्या नाम है उसके? अतीक अहमद नाम है और उसकी कार्रवाई कर दी है, उसका FIR दर्ज कर दी है और कार्रवाई जारी है। आरोपी पकड़े गए सर? आरोपी तलाश। कितने आदमी थे? तीन आदमी थे जो झगड़ा करने वाले थे और उनकी तलाश जारी है। और ठीक है।